बाप से बोलो फ्रिज खाने पीने के लिए चीजों के लिए है, उसके सोने के लिए नहीं, बाहर निकालो उसको। घर में एसी क्यों नहीं लगवाते तुम? बिना एसी के जो 3 साल से टिके हुए, एसी लगवा दिया तो 7 जन्म नहीं निकलेगा बुड्ढा। अर्चना जी, आप कुंडली में बिलीव करती हैं? हाँ थोड़ा बहुत। मेरी जिंदगी में 3 मेरी कुंडली में सांप बन के बैठे हुए हैं। ये मेरा सास ससुर और वो मेरी पत्नी। मेरा दिल करता है मैं परमीर सर की नई शादी करवा दूं। अरे प्रॉब्लम तुझे, तो परमीर की दूसरी शादी क्यों करवा रहा है? मेरी जिंदगी के लगे पड़े हैं, आप क्यों खुश बैठी हैं? एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? या कपिल। हाय कपिल, आई एम स्वीटी। स्वीटी, स्वीटी, लुक एट यू, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। आप जानते हैं मुझे? नहीं, जानने का क्या है, मतलब जब से पैदा हुई हो बड़ी तो हुई होगी ना। वाओ, आप मुझे बताएंगे कि क्या आप शादीशुदा हैं? जी नहीं, हम पंजाबी हैं। मतलब मैं आपको क्या बताऊं मैडम, मैं बहुत ज्यादा सिंगल हूँ। मैं तो इतना ज्यादा सिंगल हूँ, मैं चप्पल लेने भी जाता हूँ ना तो एक ही पैर की खरीदता हूँ, कहीं जोड़ी ना बन जाए मुझे। या सर, आप मेरा ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पर किसी शादीशुदा इंसान से बात करनी है। शर्म नहीं आती आपको? शादीशुदा मर्दों से बात करती हो, किसी की बीवी ने देख लिया तो तुम्हारा क्या हाल करेगी पता चलेगा तुम्हें? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली माय नेम इज स्वीटी और मैं शादी बचाओ फाउंडेशन की तरफ से आई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो शेर बचाओ, पानी बचाओ, हाथी बचाओ वगैरह सुना था मैंने, ये शादी बचाओ नहीं सुना। ये कौन सी फाउंडेशन है मैडम? एक्चुअली इसमें हम उन कपल्स की, शादीशुदा कपल्स की हम हेल्प करते हैं, काउंसलिंग करते हैं जो अपनी शादीशुदा लाइफ से खुश नहीं है। ओके, तो आप ऐसा क्या करके दिखाती हैं कि वो खुश हो जाते हैं? जी हम उन लोगों को टिप्स देते हैं कि शादीशुदा जिंदगी में कैसे खुशियां लाई जाती हैं, कैसे खुश रहा जाता है। ओके, तो जैसे किसी पत्नी को अपने पति के साथ रहना नहीं आता है तो उस पत्नी की जगह उस घर में फिर रहती हैं आप? कैसे कैसे? हम पति को समझाते हैं कि उसे कैसे रहना है। अच्छा, तो ये बात तो पत्नी भी हाथ में बेलन लेके समझा देती है। तुम्हारा फिर इतनी लाल साड़ी पहनने का क्या फायदा? सर आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ। जाने से पहले मेरी बात सुन के जाओ। हाँ हाँ, मैं हूँ शादीशुदा। अरे तो आप आराम से बताइए ना। नहीं, मुझे लगा तुम्हें कहीं सदमा ना लग जाए, तुम कहीं मेरे बारे में ऐसा वैसा ना सोच रही हो ना। मैं क्यों आपके बारे में ऐसा वैसा सोचूंगी? क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा सोच रहा था तो मुझे लगा तुम भी सोच रही होगी। मैं क्या सोचूंगी? तुम नहीं सोच रही हो कि तुम बड़ी ब्यूटीफुल हो, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो? हाँ ये तो मैं सोच रही हूँ। तो सोचो, जब तुम अपने बारे में इतना सोचती हो तो सामने वाला किस हद तक जा सकता है? देखिए सर, आप अपनी बीवी को बुलाएंगे प्लीज? वो तो नहीं आ सकती। क्यों? आज से कुछ साल पहले क्या हुआ? मुझसे बोला नहीं जा रहा। क्या मैं आपके कंधे पर सर रख के बता सकता हूँ? क्योंकि इंसान को थोड़ा हौसला मिल जाए तो वो अपना दर्द बयां कर सकता है। आप अगर मुझे अपना कंधा दे दे तो मैं बता सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, आप यहाँ पे आइए, आप आराम से बैठ के सब कुछ बताइए। जी जी बैठिए। एक्चुअली मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था शादी के बाद हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्या होता है, करना क्या होता है, प्रोसीजर। मेरी पहली बार शादी हुई थी तो पता ही नहीं था। और तो करो। और वाली बात तो मैंने भी बताई नहीं, मैं सुहागरात पे दूध पी के सो गया था। हाँ वाली बात तो मैंने भी बताई नहीं। आपको पता है हनीमून पे क्या हुआ? क्या हुआ? जब मैं सुहागरात पे ही सो गया तो हनीमून पे क्या ही हुआ होगा पता नहीं। मेरी शादीशुदा जिंदगी कब ठीक होगी मेरे को आइडिया ही नहीं लग रहा है। देखिए आप सब ठीक होगा, आप चिंता मत कीजिए, शादी बचाओ फाउंडेशन आपकी सेवा में हाजिर है, मैं सब सॉर्ट कर दूंगी। पर आप 2 मिनट के लिए ये मान लीजिए कि मैं आपकी वाइफ हूँ। 2 मिनट में फिर क्या होगा?
मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सब ठीक कर दूंगी। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट किया जाता है। अच्छा। हाथ पकड़िए। अरे ये क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताया, मुझे पता ही नहीं है प्रोसीजर क्या होता है। मैं तो थकार के ऑफिस से घर जाता था, मुझे मेरी बीवी कहती बर्तन धो, एक दिन बर्तन धो तो मेरी आंख लग गई, उसने कोड़े मारे मुझे। अब परसों की बात है, मैं पोछा लगाना भूल गया, उसने मेरा एक हाथ तोड़ दिया। पर आपके तो दोनों हाथ ठीक लग रहे हैं। उसने तीसरा वाला तोड़ दिया। एक बार मैंने उसको कहा मेरे साथ डांस करोगी, कहती मैंने शादी इस काम के लिए की थी, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। ऐसे कौन डांस के लिए मना करता है? वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि मेरे साथ डांस करोगी तो मेरी टांगे तो नहीं तोड़ोगी? नहीं नहीं, मैं क्यों तोड़ूंगी। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है ये? मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है? एक्सक्यूज मी, आप कौन है? हमें क्यों परेशान कर रही है? ये कौन है? तुम कौन हो जो किसी और के पति पे तुम डोरे डाल रही हो? किसी और के पति पे डाल रही? तुमको क्या, तुम किसी का पति हो? हैं? उसको करने दो जो कर रही है। यू प्लीज कंटिन्यू। देखिए आप हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। मैं शादी बचाओ फाउंडेशन से आई हूँ और मैं इनकी काउंसलिंग कर रही हूँ। आप हैं कौन? मैं इनकी बीवी हूँ। बीवी? जी हाँ। आपने तो कहा था कि आपकी बीवी आपको छोड़ के चली गई है। मैं तुम्हें कब छोड़ के चली गई? तुम कल स्टेशन जा रही थी, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे रास्ते में छोड़ देना, तुम छोड़ के नहीं गई थी। वही बताया मैंने, झूठ बोला कुछ? देखिए देखिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, पर आप प्लीज इन्हें कोड़े मत मारिए। कोड़े? मैं क्यों इन्हें कोड़े मारूंगी? इन्होंने बताया कि जब ये आदमी बर्तन साफ नहीं करता तो आप इन्हें कोड़े नहीं मारती? आपको लगता है इस आदमी की शक्ल देख के कि ये बर्तन धोगा? शक्ल से कैसे पता चलता है? शक्ल से बर्तन धोता हूँ मैं। बेड पे पड़े हुए टी कप तक नहीं उठाता ये। बेड पे तो तुम्हारे माँ बाप भी पड़े हुए हैं, उनको ना उठा दूं मैं? जामुन बन के आ गई है। लीव मी। यू लीव। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए हस्बैंड वाइफ में अगर झगड़ा होता है ना तो हम उसको सॉर्ट कर देते हैं। मुझे पता था तुम सॉर्ट कर दोगी। हम गोवा चलते हैं, मैं बड़ा सॉर्ट होता हूँ उधर जाके। देख रही है आप? देख रही है? अच्छा अच्छा, एक मिनट, आप लोग यहाँ पे बैठिए बैठिए, आप इधर, आप भी बैठिए बैठिए। अब आप ये बताइए कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? ये। हाँ हाँ, मेरा मतलब है कि आप क्या चाहते हैं? ये। अब आदमी सच ना बोले। तुमने सुना नहीं है, डॉक्टर वकील और लाल साड़ी वाली लड़की से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सही बात आप देख रही, ऐसी बातें करता है मेरा पति, मतलब कितना अनरोमांटिक है। लोग क्या क्या नहीं करते अपनी बीवियों के लिए। अरे पड़ोस के गुप्ता जी अपनी बीवी को हर हफ्ते डिनर पे लेके जाते हैं। अरे जा, उसको तो मैं भी लेके जाना चाहता हूँ, मानती नहीं वो। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना थोड़ा सा रोमांस खत्म हो गया। नहीं नहीं, थोड़ा करेक्शन है इसमें, हमारा शुरू ही नहीं हुआ कभी। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्लान है जी। मैं एक टेबल बुक करती हूँ, आप दोनों डिनर करके आइए। नहीं नहीं, मैं किसी का एहसान नहीं लेता, अगर टेबल तुम बुक करोगी डिनर भी तुम्हारे साथ ही होगा। ऐसे कैसे? मैं क्यों डिनर पे जाऊंगी? मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। व्हाट? क्या की? तुम शादीशुदा हो? इतनी देर से तुम मुझे धोखा दे रही थी। मैंने कब धोखा दिया आपको? अरे इतनी ब्यूटीफुल बन के घूम रही, मुझे लगा तीन चार बॉयफ्रेंड होंगे, छुड़वा दूंगा मैं। अरे तुम तो डायरेक्ट शादीशुदा निकली। ये शादीशुदा है तो तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम है? अरे स्वीटी स्वीटी स्वीटी, ये क्या हो रहा है? मैं दो घंटे से बाहर मोटरसाइकिल पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम्हारी काउंसलिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। इतना बदतमीज ड्राइवर रखा आपने। हेलो, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, इसका पति हूँ। भाई साहब ऐसी कौन सी नौकरी करते हैं आप जो इन्होंने डायरेक्ट आपसे शादी कर ली? मतलब क्या कमी क्या है मुझमें? सरकारी नौकरी है मेरे पास, पता है। अच्छा तो तुम ही वो आदमी हो, सारी जवानी मोहल्ले में इश्क लड़ाते रहते हम। हाँ। और शादी करके निकाल के ले जाते हैं सरकारी नौकरी वाले। अब मुझे समझ में आया। देखिए आप अपने पति पर ना लगाम लगा लीजिए। और जैसा आपका पति, मैं तो कहता हूँ इस पे सीट भी लगाइए। इसको बरातों में दिया करो किराए पे। मजाक नहीं करता हूँ मैं, बड़ा अरबी घोड़ा लगता है ये। तुम्हारी वजह से ना ये लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। तुम हमेशा जहाँ पे भी आते हो मेरा क्लाइंट हमेशा खराब करके जाते हो। अरे आधे घंटे का टाइम देके दो घंटे कौन बाहर धूप में वेट करवाता है? क्या है क्या? एक मिनट,
वो एक्चुअली मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है और मुझे जाना पड़ेगा. अगर आप दोनों की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो आप मुझे प्लीज कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा. मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर देके जाऊँ. आपको लगता है आपकी खुद की काउंसलिंग देके कि हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे? ये करे ना करे मैं करूंगा, आप चिंता ना करें. और सुनिए, ये आपका कार्ड मैं रख लेता हूँ इन केस आपको पति बदलने का मन हो. ये रहा मेरा कार्ड. भाई साहब, अगर आप इनको बिना मेकअप के कभी देख लोगे ना, आप ये सब छोड़ के ना पहाड़ों में चले जाओगे. लोगों को पता लगना चाहिए ना तुम मेरे साथ कैसा बिहेव करते हो. अरे चलो तुम यार खराब कर देते हो. हां क्या फालतू की बात हो रही है यार. बात तो सुन लो. क्या है डिनर में? क्या है? कोड़ी खाना. और मेरी बात तो सुन लो. ओहो बात तो सुन लो. क्या सुनूं? शुक्रिया शुक्रिया. प्लीज विराजमान हो जाइए. अर्चना मैम, दुनिया का कोई ऐसा स्कैम बता सकती हैं आप जो आज तक किसी की पकड़ में ना आया हो? बहुत सारे स्कैम्स हैं ऐसे. एक तो ये चिप्स के पैकेट में जो चिप्स से ज्यादा हवा भर देते हैं, ये सबसे बड़ा स्कैम है. हर बार थाने का ही ख्याल है. यही प्रॉब्लम है, पैकेट की हवा की टेंशन लेते हैं, चिप्स को एंजॉय करना भूल जाते हैं. सबसे बड़ा जो स्कैम चल रहा है दुनिया में वो है एज के नाम पे. एज के नाम पे लोगों के साथ बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं. जैसे मालदीव जाना हो तो बोलते हैं सिर्फ यंग लोग जाएं. प्रमोट ही उन्हीं को करते हैं कि अगर कोई बुजुर्ग चला जाएगा तो उसका डायपर क्या समंदर का पानी सोख लेगा, वो क्यों नहीं जा सकते. अच्छा, एज के मामले में बच्चे बड़े होशियार हो गए हैं. जो 15 साल के बच्चे होते हैं ना, होटल में जाके अपनी उम्र 12 साल बता देते हैं ताकि बच्चों में गिनती और डिस्काउंट मिल जाए. और यही 12 साल वाले रात को 18 के बनकर इंटरनेट पे चैट कर रहे होते हैं. पुलिस आ जाए तो अपना आईडी कार्ड दिखा के बोलते मैं तो नाबालिग हूँ, मैं तो दीदी से ट्यूशन पढ़ रहा था. अच्छा, पहले के टाइम पे सिनेमा हॉल में जब 18 प्लस वाली फिल्में देखने जाते थे ना, तो गेट पे जो रहता था टिकट चेकर, वैसे टॉर्च मार के देखता था कि इसकी मूछें आई हैं. तो ये दिनेश ना अपना, ये पेंसिल से मूछें बना के चला गया, पसीने से आधी मिट गई. चेकर बोलता है तुम्हारी तो मूछ आधी है, तो कहता इंटरवल तक दिखा दो. वो कहता बेटा जो तू देखने आया ना वो इंटरवल के बाद आएगा. एज इज जस्ट अ नंबर. ये कहावत सिर्फ औरतों के लिए है. मैं उन औरतों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर नहीं है. क्योंकि मैंने नोटिस किया है लेडीज की तीन तरीके की उम्र होती है. एक 18 साल, दूसरी 30 साल, और अगले 30 साल तक फिर 30 साल. उसके बाद कोई भी इनसे पूछे ना कितने साल की होगी तो बताती नहीं उम्र. कभी मेरी तो मेमोरी कम हो गई, अब मुझे याद नहीं रहता. और सच भी है, उम्र सिर्फ एक नंबर है. वो ये डिसाइड नहीं कर सकती कि इंसान कब फन कर सकता है और कब नहीं. और इसी थॉट पे एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म आ रही है जिसका नाम है शिव शास्त्री बैलबोआ. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूँ जो फिल्म के सबसे यंग कलाकार हैं, मेरे छोटे भाई मिस्टर अनुपम खेर. हो जाए अनुपम सर के लिए. वेलकम. आई लव यू मल्होत्रा. आई लव यू. ऑफ कोर्स डार्लिंग, ऑफ कोर्स. पाजी. हाँ जी. आप बड़े प्यारे लग रहे हो. सच्ची? पर ये ग्लव्स पहन के क्यों घूम रहे पाजी? आप तो इतना अच्छा काम करते हो, आपको किसका डर है? नहीं नहीं, ये मेरी पिक्चर आ रही है ना शिव शास्त्री बैलबोआ, तो इसमें आप फाइट वाइट कर रहे हैं अनुपम सर? नहीं सर, मैं बिल्कुल फाइट नहीं कर रहा हूँ, मगर ये शिव शास्त्री जो है वो बैलबोआ का बहुत बड़ा फैन है. अच्छा जी. वो अपना बॉक्सिंग क्लब खोलता है. अच्छा जी. और फिर वो अमेरिका चला जाता है अपने बेटे के पास, जुगल हंसराज के पास. और फिर वहाँ हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर में एक हीरो है. वो हमको मिलता नहीं है. हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए होने के लिए वो हीरो ढूंढना बहुत जरूरी है. जी. तो मैं बस ऐसे ही आया, मुझे लगा सफेद कपड़ों के साथ रेड अच्छा लगेगा, एक नई किस्म की एंट्री होगी. बहुत अच्छा लग रहा है सर. अच्छा लग रहा है ना. कर आप वैसे आपने बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हैं, कभी जिंदगी में वैसे कभी आपने कभी वायलेंस की है सर? एक ही बार की है. अच्छा. मैंने जिंदगी में अर्चना एक ही बार एक बंदे को मुक्का मारा था. किसको मारा था? मेरा भाई छोटा था, 9th स्टैंडर्ड में था. राजू को? नहीं, उसको नहीं मारा था. अच्छा. तो राजू एक दिन स्कूल में मेरे पास आया और उसने कहा मेरे को आपके दोस्त ने मारा. अच्छा. तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मेरे अंदर के भाई जाग गया. इससे पहले कि वो मुझे मारता, बड़ा हट्टा कट्टा था, मैंने उसको एक घूंसा मारा और उसके बाद मेरा हाथ टूट गया. उसके बाद 6 महीने तक मैं वो प्लास्टर लगा के बैठा रहा.
वो निकल जाता था प्लास्टर जैसे ही निकल गया ना। हाँ। मुझे लगा कि स्कूल में क्लास में काम किया नहीं किया सर, हाथ टूट गया सर। अच्छा। तो एक दिन मैं शिमला में रिज मैदान पे क्रिकेट खेल रहा था। अच्छा जी। तो मैं हाथ उतारिए ऐसे उतार के खेलता था और क्रिकेट खेल रहा था, मारता था, जैसे स्कूल जाता था फिर लगा के चला जाता था। अच्छा। एक्टर शुरू से रहे आप? एक्टर बचपन से। तो मेरे टीचर ने देख लिया कि ये उतार के आया था, तो उसने कहा कि काम किया कि नहीं किया जी? क्यों नहीं किया? मैंने कहा सर हाथ टूटा हुआ। कहता निकाल दे इसको। फिर जो मुझे पड़ी है, तो दैट वाज द ओनली टाइम आई हैव यूज्ड वायलेंस। ऊंचाई में अनुपम सर पहाड़ चढ़ रहे थे, इसमें बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के घूम रहे हैं, मसल दिखा रहे हैं। आपको पता है पठान फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान क्लाइमेक्स में बात कर रहे हैं। हाँ। हमारी एक्शन को रिप्लेस अगर करेगा तो कौन करेगा? हाँ। वो कहीं आप ही की बात तो नहीं कर रहे हैं कहीं? अब मैं अपने आप क्या बोलूं भैया। और सिर्फ वही बात नहीं कर रहे हैं, और भी बड़े सारे एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के जो आपकी फिटनेस की बात कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक ट्वीट किया है अक्षय कुमार साहब ने, कहा है उन्होंने, कहा डियरेस्ट अनुपम खेर स्टॉप इट नाउ, ही इज जस्ट जेलस। मैंने आपको बॉडी बनाने को कहा था पर आपने तो कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। पोस्टर लुकिंग इंटरेस्टिंग, गुड लक फॉर शिव शास्त्री बेलबोआ। क्या बात है, अच्छा क्या बात है सर? क्या है कि कंपटीशन बहुत सारे लोगों के साथ है ना। अच्छा जी। देखिए या तो आपको एक्टिंग आती है या आपको मसल बनाने आते हैं। आप मतलब ये क्या बात है? नहीं, 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 बात ये की। तो मुझे एक्टिंग तो आती थी मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने कहा मसल भी बना लेता हूँ। क्या बात है, कंपटीशन ही खत्म दुनिया में। तो आने वाले कितने महीनों तक हम आपको देख पाएंगे टिप टिप बरसा पानी जैसे गानों में डांस करते हुए? नहीं, जिस तरीके से आप फिट होते जा रहे हैं। मेरी लाइफ की ट्रेजेडी पता क्या है? क्या? मुझे डांस नहीं करना आता, सीरियसली। मैं आपके शो में 4 बार आ चुका हूँ, मैं सेम स्टेप करता हुआ आता हूँ। देखिए बजाना कुछ भैया। आता ही नहीं, डांस ही नहीं करना आता मुझे। अब वक्त है फिल्म से जुड़े दूसरे अहम किरदारों को इस मंच पर बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम नीना गुप्ता जी, नरगिस फाखरी, शारिब हाशमी एंड जुगल हंसराज। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा देखो, लड़कियों का मैचिंग नहीं भूलती है। देखो नरगिस अपने ब्लू वाले पहन के आई, सबने लाल पहने हुए। You understood what he said? Yes, sir. What did he say? That I'm the only one with matching gloves. Oh. अंग्रेजी समझ में आई जो इन्होंने बोला? कुछ कुछ। क्या बोला इन्होंने? There is a silence. Total silence. मेरी ऑडियंस भी मेरे जैसी है। नीना जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप सास बन गई हैं, मसाबा की शादी हो गई, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अर्चना जी का मुंह मीठा कराने के लिए कुछ लाई है कि नहीं लाई? नहीं लाई। इनको 10 किलो काजू कतरी लगती है, सुबह से वेट कर रही है। सिर्फ 2 लीटर दूध और 12 केले खा के बोल रही है कमजोरी से मेरे को चक्कर आ रहे हैं। तो आप ही का वेट कर रही थी ये। अच्छा देखो, ये फिल्म की शूटिंग जो ना अमेरिका में हुई है, अमेरिका पहुंचते ही अनुपम सर तो फुल बाइकर के साथ कूल कपड़े पहन के पूरी बाइक बाइक चला रहे हैं, और नीना जो है ज्यादातर सिंपल लुक में नजर आ रही है। ये आपके करेक्टर की डिमांड थी या आपके डिजाइनर मसाबा अपनी शादी के कपड़े बनाने में बिजी थी? नहीं नहीं, मेरा करेक्टर बहुत सिंपल है, हाउस मेड है। अच्छा जी। हाँ। बस बात खत्म। नरगिस, यू आर लुकिंग सो स्टनिंग। थैंक यू। ये इतनी स्टनिंग, एक्चुअली इनकी फोटो खींचते वक्त ना फोटोग्राफर जो अपनी फ्लैश बंद कर देते हैं। आपको पता है अगर फोटोग्राफर दास दादा, दास दादा कैन यू प्लीज स्टैंड अप? दादा आपको देख के 2 बार LED में टकरा गए आपको देख के। इतना इन्होंने बल्क में ऐसे ग्लैमर देखा नहीं है। फिर इनको मैंने अपना मुंह दिखा के नॉर्मल किया। बैठी दास दादा, आप तो सीरियसली ले गए। नरगिस, आप 2 साल से US में थी, तो आप इंतजार कर रही थी कि कपिल शर्मा शो से इन्विटेशन आएगा तभी जाऊंगी इंडिया? Just for you. Oh, thank you, baby. Just for couple. ये आपने इनको बेबी क्यों बुलाया? और आपको बुलाऊं बेबी मैं? मतलब आई मीन मेरे मुंह से निकल गया, कंट्रोल नहीं होता सर कभी कभी। नरगिस, व्हाट इज योर कैरेक्टर इन दिस ब्यूटीफुल फिल्म बेबी? अभी बेबी से बेब हो गया। पूरा सेंटेंस अंग्रेजी में बोल लिया। हाँ, पूरा हो गया। देखो ये भी बहुत बड़ी बात हो गई। इंग्लिश में निकला मेरी डेब्यू, इंग्लिश हो गई यार। सो नरगिस, व्हाट इज योर कैरेक्टर इन दिस मूवी? सॉरी आई एम ब्लशिंग। आपसे पूछ रही कि आपको ब्लशिंग का मतलब पता है कि नहीं? मेरे को फ्लशिंग पता है, ब्लशिंग का मतलब। या या आई नो, आई नो, ब्लशिंग आई मीन विद द
No, not that blush. Oh, it's I mean, like I feel from inside. Pasina and heat. Heat. Yeah. So my character in this film. Beautiful. Is beautiful character. Yeah. Yes, she is. Very beautiful. She's also very lovely. She's half Indian. She's half American, and she is the girlfriend of this lovely character. Wow! Believe it or not. Sharif Hashmi, आप कब से इमरान हाशमी हो गए? सर कभी-कभी हमें भी मौका मिलना चाहिए. मुबारक हो मेरे भाई. एक गरीब को जब भला होता ना, दूसरा गरीब को बड़ी खुशी होती है. आइए. पाजी वैसे जब मुझे पता चला था तो जैसे दास बाबू का हाल हुआ है ना तो मुझे फोन पे न्यूज़ मिली थी तो मैं भी ऐसे ही इधर से उधर टकरा रहा था यहां से ये तो फिर आपने स्क्रिप्ट पढ़ के झट से हां कर दी कि इमोशनल होके बोला कि अब क्या पैसे भी दोगे मैं तो पैसे देने को भी तैयार था जुगल सर के लिए एक बार ताली बजाएं हमारे शो पे पहली बार आए हैं हमने आपको इतना फिल्मों में देखा इतना खूबसूरत आप काम करते हैं इतने गोरे चिट्टे हैं आप देखो आप नहीं मैं बहुत खुश हूं यहां पे मेरा डेब्यू है आपके शो पे और बहुत स्वागत सबसे मिलके और थैंक यू वेलकम वेलकम सर आपको पता है ये इतने गोरे चिट्टे ना ये ताजमहल देखने जाते हैं ना वहां पे दो तरीके की फीस लगती है एक इंडियन लोगों के लिए एक फॉरेनर लोगों के लिए इनको फॉरेनर वाला चार्ज कर देते हैं वो उसके बाद में ये भोजपुरी बोल के डबल डिस्काउंट लेते हैं अभी इनके मेकअप दादा कंफ्यूज हो रहे थे क्यों मेकअप करना है कि हो गया है जैसे मेरा और शारिफ भाई का उल्टा हमें देख के मेकअप मैन कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दो बार कर दिया अभी भी नहीं लग रहा आनंद की जुगल सर आपकी पहली फिल्म मासूम आई थिंक 83 में रिलीज हुई थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इनफैक्ट दो हफ्ते पहले 40 इयर्स हो गए फिल्म के तो ये आपने उसके लिए ऑडिशन दिया था कि मासूम चेहरा देख के मासूम में रख लिया आपको नहीं एक्चुअली मैं काफी टीवी कमर्शियल्स कर चुका था अच्छा जी तो एक टीवी कमर्शियल फेमस हो गया था दारा सिंह जी के साथ अच्छा जी तो वो देख के शेखर कपूर को लगा कि इस फिल्म में मुझे ये लड़का चाहिए था नीके मैन मेट माय फैमिली एक्चुअली मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कहानी सुनने के बाद कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी अच्छा तो बोला क्यों सिंह ये फिल्म में लड़का रोता रहता है तो स्कूल में सब मुझे क्राई बेबी बुलाएंगे तो और दूसरी फिल्म चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह इन्होंने मेरे साथ की थी कर्मा में कर्मा जी में। जी जी करेक्ट अच्छा वैसे अनुपम सर उम्र में इनसे बड़े हैं लेकिन फिल्मों में ये बड़े हैं क्योंकि 84 में इनकी फिल्म आई सर आज ये 83 में काम कर चुके मेरे सीनियर हैं नहीं ये ऐसा मत कहिए तो फिर आप अनुपम सर को सर बुलाते हैं या आपको सर बुलाते हैं ये सर है सर ही ठीक है और मैंने इनको कितनी बार कहा बट इनको इसको बहुत सूट करता है ये सॉल्ट एंड पेपर वाइफ खुश है तो सब खुश है वेरी गुड आपकी वाइफ खुश है सो हैप्पी आइए सर बहुत बहुत स्वागत है प्लीज विराजमान हो जाइए जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए शारिफ भाई आप सब जानते हैं कितने कमाल के एक्टर हैं और हमारे ये रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं बंदे आते रहते हैं हमारे शो पे अर्चना जी तो कह रही थी कहती शारिफ से पूछा मेरी वैनिटी किराए पे क्यों नहीं ले लेता ये नहीं मतलब शारिफ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तो आजकल आप सिर्फ वही फिल्में पकड़ रहे हैं जो कपिल शर्मा शो में आती हैं हाँ ये मेरा कंडीशन होता है मेरे क्लॉज में कि भाई मैं अगर कपिल शर्मा में जा रहे हो तो बताओ बीच-बीच में हम अपनी प्रमोशन टोकते रहते हैं बट आई मस्ट से दैट योर शो हेल्प्स अस रियली प्रमोट आवर फिल्म सर वो भी हंसते खेलते Wow. Yes. It's a compulsory to come to your show. Sir, same for us. आप आते हो, आप इतने तरह कमाल के अदाकार, आपके किस्से कहानियां सुन के हमारा भी बन जाता है. 3 महीने के लिए बनाया था सर हमने 10 साल हो गए देखो आप बीच बीच में कभी बंद भी हुआ तो हमारी खुद की हरकतों की वजह से पब्लिक का उसके प्यार में कोई कमी नहीं आई अच्छा ये नीना जी को बाइक पे बिठा के बाइक चला रहे हैं ऐसा हमने सुना है कि वैसे आपको बजट जो है कार का भी मिल रहा था मेरी प्रोड्यूसर साहब से बात हुई अच्छा बोलते हमने इनको कार भी बोला था ले लो तो इन्होंने कहा कार पे तो नीना जी फ्रंट पे सीट बेल्ट लगा के बैठ जाएंगी हाँ बाइक पे बैठ के जो ऐसे करके बेल्ट लगाएंगी बोलते इन्होंने जानबूझ के बाइक डलवाया हमें तो ये भी पता चला है कि डायरेक्टर ने बोल दिया कट उसके बाद भी ये 2.5 किलोमीटर आगे निकल गए क्या हो रहा था अनुपम सर मैं सच्ची बताऊं जी एक्चुअली मुझे बाइक चलानी आती ही नहीं है अच्छा जी अभी हमने एक फिल्म की शूटिंग की तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक गया मैं हाँ. उसके बाद डाइव बाइक मेरी ऊपर चली गई ऐसे बट आई थिंक जो इनका कैरेक्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है बहुत मल्टीफैसेटेड है दरअसल हम दोनों भाग जाते हैं घर से हाँ. अच्छा जी हाँ. वाह और नाइट सूट में भागते हैं और नाइट सूट में भागता हूँ ये हमारी फिल्म में चीयर्स गर्ल है
जैसे चीयर गर्ल्स देखते हैं आप मैच, मेरे को वोडका बहुत पसंद है, मतलब बीच बीच में चीयर्स करती रहती है, वोडका बहुत पसंद है। तो ऐसी जो लेडीज होती हैं जब बाहर जाती हैं तो सालों तक वो घर नहीं वापस आ सकती, तो वो अपना कैसे करे, खुश कैसे रहे, तो अपना एक हिसाब किताब बिठा लेती है। मेरा हिसाब किताब वोडका में बैठ गया मतलब। अनुपम सर, जैसे आपने कहा कि आप फिल्म में भाग जाते हैं, कभी कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में किसी के साथ भागने का मन हुआ या पूरी प्लानिंग हो गई हो फिर डर लगा हो? मेरा तो बड़ा जबरदस्त किस्सा है। अच्छा जी, क्या है कि हिंदी मीडियम स्कूल वालों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल की लड़कियां कोई भाव नहीं देती है। हाँ। ये सच है, ये बिल्कुल सच है ना, कपिल का भी रोना बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम हिंदी मीडियम स्कूल के हैं तो वैसे तो मानेगा नहीं, पर मैं 6th स्टैंडर्ड से इंग्लिश मीडियम में आ गया था। Okay, now for another 30 seconds, please talk to Nargis in English. Hold on. Yeah. Yeah. Talk to her in. I mean, nowadays, the winters in Mumbai are for 7 days only. It's vanished. What do you say, Miss Braganza? Very good. Dekho, jo line mere se sentence ban raha hai, main to wahi baat karunga. Nowadays, I am avoiding sugar. Wow, that's really good. You're looking very fit and healthy. Oh. Tell me some of the things that you do besides avoiding black sugar. Black coffee. Black coffee. Any type of exercising or... Nargis, my English is in almost last stage. मैंने गलती, मैंने अपने आप पे अंग्रेजी मार ली अपने पांव पे। नहीं, English तो मैंने बड़ी सुनी, ये पता नहीं कौन सी वाली बोल रही है सर। My accent is too heavy for you. You are out of my range. Out of his age? Out of his range. His range. ये बात बाइक से शुरू हुई थी कि अनुपम सर बाइक चला रहे फिल्म में, और कहां कहां बाइक घूमती घूमती पता नहीं कहां पहुंच गई। बाइक पर पीछे लड़की बैठी हो तो बंदा आराम से एंजॉय करते हुए ड्राइव पर जा सकता है, लेकिन अगर बाइक वाले को टाइम पे फूड की डिलीवरी करनी हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ जुगाटो में, वेन एवर आई एम गेटिंग ए चांस आई एम पुटिंग माई फिल्म इन द प्रमोशन। वेरी गुड, एज यू शुड। वैसे अनुपम सर, इस फिल्म में सबसे ज्यादा खास बात आपको क्या लगी, जो आपको लगा कि मुझे ये फिल्म करनी करनी है? आई थिंक जब अजन ने मुझे कहानी सुनाई थी इसकी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, तो ये जो जर्नी है ना, जो रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ, जी हम उस उम्र में पहुंचे हुए हैं जहां पर लोग आमतौर पे कहते हैं कि अभी मैं रिटायर हो गया, अभी मेरे से कुछ नहीं होता, पर यहां तो जिंदगी शुरुआत होती है। इसमें बड़े उतार चढ़ाव हैं, इनका कैरेक्टर है, उनका कैरेक्टर है, जो बाप बेटे का भी रिश्ता है, ये बहुत ही मजे से तरी हो जाता है। हम अपनी जिंदगी मुसीबत, सॉरी मुसीबत आ गई, पर ये नहीं कि आप रोते दो बैठ जाएंगे वहाँ। यू हैव टू टैकल द मुसीबत, पर उसके बीच में वोडका भी पी सकते हैं मतलब। मंगवा दो इनके लिए। कहने का मतलब है कि मुसीबत आप पे आई है तो आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। हाँ। ये स्टोरी आपकी तो मुझे समझ में आ गई, मुझे जानना है कि इनका बाद में क्या होता है। इनका क्या है कि यहाँ पर इनका नाम है सिनेमन सिंह। अच्छा, जैसे हनी सिंह है, ये सिंगर है, एस्पायरिंग सिंगर हूँ उसमें, जो एक पेट्रोल पंप भी चलाता है। अच्छा जी, और ये मेरी मतलब लीग से भी हटके दूर दूर गर्लफ्रेंड है मेरी। कैसे बनी तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड? फिल्म में भी कैसे बनी, मतलब कैसे, कहने का मतलब ये। ये राज, वो आपके सिंगिंग की फैन बन गई। हाँ, ये मेरी 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 सुरीली आवाज बन गई, उनकी कोई मजबूरी थी। इनकी कोई मजबूरी थी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारी फिल्म में सारे मसाले हैं। आंसू हैं, मुस्कान है, एंटरटेनमेंट है, डर है, फियर है, नरगिस है, जुगल है, मैं हूँ, नीना है, शारिब है। Getting one more character. Yeah, yeah. Your friend, your best friend. Oh, yeah. He's not here with us, but it's his best friend. Yes, the doggy. Yes. Okay. Gasper. कैस्पर, मैं उसको, हाँ मैं उसको पूरी फिल्म में, फिर वो बड़ी अच्छी लाइन है शास्त्री जी की, कहता है कि अब समझ में आया कि यहाँ पर हर अमेरिकन कुत्ता क्यों रखता है। क्यों रखता है? बिकॉज आदमियों के पास टाइम नहीं है आपके लिए। क्या बात, जानवरों के साथ ही बैठ के बातचीत करते हैं। पर नरगिस ने करेक्टर याद दिलाया ना आपने की डॉगी के बारे में, लड़कियां कुत्तों को इतना ज्यादा प्यार क्यों करती है जब लड़के आपको कुत्तों की तरह प्यार करने को तैयार है? Why girls love so much to dogs when we are ready to love them like dogs? Very cute.
No, you have to answer that question. Oh, that I don't know. Seriously? I don't know why we don't let you love us like dogs. I have leash also. You have a leash. Oh my God! I don't want to potty train you though. You're already trained and well behaved. And potty trained? I don't want to have to go through all that. Kapil, kya puch rahi hai? Kuch bhi bolo, tum achhi lag rahi ho. Whatever you say, you are looking beautiful. Okay. You are looking pretty. Thank you. वो बड़ा अच्छा एक और डायलॉग है हमारी फिल्म में कि वो मैं मेरे को पोस्ट्रेट का प्रॉब्लम होता है मेरे कैरेक्टर को तो वो हर थोड़ी देर के बाद उसको रुकना होता है नी हैज टू डू सुसु तो वो उसको पुलिस वाला पकड़ लेता है तो उसको $75 जो है उसको फाइन हो जाता है और कुत्ते को ले जाके वो कुत्ता सड़क पे उसको करता है तो दे हैव टू पिक अप दैट पॉटी विद द प्लास्टिक बैग तो ये भी अपना एक एंगल है अच्छी बात है लेकिन हमारे तो अपने कुत्ते को बोलते थे ध्यान रखा तो खुद का पजामा उतार के निकल गए एक बात जानना चाहता हूँ आपसे जी सर और ये एक्टर टू एक्टर है जी आपके दिमाग में ये सडनली लाइनें आती कहाँ से सर अब देखो मुझे लोग बड़ी बार पूछते हैं मैं जिस शहर से आता हूँ हमें काम ही कोई नहीं है बातें ही कर करके बड़े हो गए हम फिर किसी ने बताया कि इन चीजों के पैसे मिलते तो मुंबई चले जाओ तो इधर आ गए शर्मा जी सुनिए How handsome are you looking? So nice to see you. So nice to see you after such a long time. Yes, sir. You look very beautiful. Thank you. Sir, you want to hear it again? No. Sir ne bola? No. He's just jealous. वैसे शर्मा जी आप प्लीज जल्दी से अपना इंटरव्यू खत्म कर लो क्योंकि बाद में ना एक्चुअली साफ सफाई करनी है तुम्हें वो जो घर में दो बड़े बड़े बोरे पड़े हैं ना जो बेड पे लेटे हुए पहले उनको हटाओ सफाई अपने आप हो जाएगी वो मम्मी पापा है मेरे मैंने नाम लिया शर्मा जी आप सर आपने इतनी अच्छी अच्छी फैमिली फिल्में की है हम आपके हैं कौन विवाह तो फैमिली रिश्तों के बारे में थोड़ा सिखाइए ना इसे उन्होंने शौकीन भी किए उनसे ना सीखूं मैं कुछ हम आपके हैं कौन से सीख लूं मैं बीवी खड़ी है तुम्हारी सामने तो किसने कहा खड़ी जाके अंदर बैठ जाओ मैं ना सर ये मुझे ना मेरी बीवी पेट्रोल की तरह महंगी पड़ रही है और पोल्यूशन अलग से सो नाउ आई एम लुकिंग फॉर सम इलेक्ट्रिक ताकि इको फ्रेंडली हो सकूं मैं इको फ्रेंडली कम नरगिस फ्रेंडली ज्यादा लग रहा है यहाँ पे मुझे हाँ सुनो तुम ना अपना फ्लर्टिंग को ना प्लीज कंट्रोल में रखो कुछ देर के बाद मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं किटी के लिए तो पहले उनकी फोटो दिखाओ कैसी है वो अरे एक जवान आदमी घर पे है चार पांच लड़की आ रही अलर्ट रहना पड़ता है कोई जरूरत नहीं है जब तुम झाड़ू लगाओगे ना अपने आप अलर्ट हो जाओगे हाँ वैसे नीना मैम आप हमारी किटी ज्वाइन कर लो बड़ा मजा आएगा कोई मजा नहीं आएगा ये गिरोह है इनका ऐसे बोलती है किटी का ग्रुप है किटी का कोई ग्रुप नहीं है चार छह औरतें बैठती है लोगों को मैसेज करती है कि आपका प्राइज निकला है अभी ओटीपी आएगा आप हमें बताइए उनके पैसे निकालती है ये नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आप प्लीज इसे सीरियसली मत लो मैम इसको सीरियसली लीजिए यही देश का बजट बना रही है ये इनको लीजिए आप सीरियसली देखो घर का बजट मैं ही देखती हूँ तभी हमारी घर की जीडीपी गिरी हुई है हर साल बजट निकलता है काश मेरे रिश्तेदार भी घर से निकल जाएं प्लीज कितनी बार बोला है धीरे बोला करो यार मम्मी पापा सुन लेंगे बुरा लगेगा उन्हें नहीं लगता उनको मैंने देखा है मैंने अनुपम सर कहा कि हमें लड़की एक जोड़ी कपड़े में चाहिए इन्होंने जोड़ी गलत समझ लिया माँ बाप की जोड़ी ले आई अंदर लेटे हुए हैं माँ मेरा कुर्ता पहन के लेटी है बाप माँ का पेटीकोट पहन के लेटा हुआ सर आपने ऊंचाई फिल्म की है ना हाँ जी कभी पिटाई करनी हो तो कास्टिंग मैं करूंगा बड़ा परेशान कर रखा है इन लोगों ने मुझे ये छोटा प्रेशर कुकर क्या बन गया है आज ऊपर सीटी लगाना तो भूल ही गई दामा जी ऊंचाई की बात याद मत दिलाइए
पता है उधर 60 की एज में ये पहाड़ों पे चढ़ रहे थे, यहाँ मेरी सांसें चढ़ रही थी। मम्मी, तुम 52 की हो चुकी हो, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे 52 का पलट के देख, 25 की लगती हूँ। अरे ये तो सिर्फ नजरिए की बात है, मिस्टर मल्होत्रा ये समझते हैं, तू नहीं समझेगी। कुछ कुछ होता है बिंदु। इनको रोक, जब जब इनको कुछ कुछ हुआ है ना, अंदर एक नए मेहमान हुआ है कुछ, मैं बता रहा हूँ, इनको रोक। अंदर 9 बच्चे हैं इनके। क्या बात, माता पिता? हाँ, जो बधाई मांगने वाले आते ना, वो बाहर हमारे बोर्ड लगा के चले गए, कहते थोड़ा गैप ले लो, ढोलकी में जा हमारे हाथ तक गए। ये तो गैप नहीं ले रहे बिल्कुल भी। अरे नहीं नहीं दामाद जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो क्या है ना, नीना जी की वो फिल्म है ना, बधाई हो, तो वो देख देख के मेरे हस्बैंड बस मुझे कविता सुनाने का शौक चढ़ गया उन्हें। झूठ ना बोलो, कविता सुनाने का शौक लग गया, तुम लोग तो ब्रेकिंग न्यूज सुन के रोमांटिक हो जाते हो। मम्मी कैसे बैठे हुए तुम, मतलब मुझे शर्म आ रही है, तुम क्या कर रही हो? अरे तेरी शर्माने की उम्र निकल गई बिंदु, थोड़ी बेशर्म बन। अरे इंडिया की पॉपुलेशन कहां से कहां पहुंच गई, उसमें तेरा एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। सर आई एम रियली सॉरी, वो मम्मी है थोड़ी सी विट्टी। हां उन्हें क्या बता रही है, वो तो मेरे साथ कॉलेज में ही थे। हाँ, इनकी बायो अच्छी थी, मेरी फिजिक्स अच्छी थी, फिर हम दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी हो गई। ओह वाओ। बस एक दिन ये मुझसे मिलने में थोड़ा लेट हो गए, तो मैं इनसे रूठ गई। फिर मेरी फ्रेंड बोली, खैर छोड़ो। अच्छा। फिर मैंने छोड़ ही दिया। छोड़ दिया, खैर को छोड़ दिया। अरे मम्मी यार, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तुम्हारे साथ रहने का मन नहीं करता मेरा। अरे बेटा इस उम्र में ससुराल छोड़ के कहाँ जाएगी तू? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। मम्मी तुम अंदर चलो, टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो अंदर। हाँ हाँ तेरी बातों से तो बड़ा सेंस एक्स में उछाल आ रहा है। अच्छा मिस्टर मल्होत्रा, नाउ आई एम लीविंग। हाँ ड्राइवर को बोलो गाड़ी का एसी जरा 18 डिग्री पे रखे, दुनिया की सबसे हॉट गर्ल आज आपके साथ बैठने वाली है। मम्मी बाय। इसके पहले कि मिसेस ब्रिगेंजा सच में तुम्हारा ब्रिगेंजा कौन है, चलो। कैसा है शर्मा जी, सब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बस आप खराब करेंगे बाके। हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। मैडम हम कपड़ा धोते हैं, जुगल हंसराज जैसा धोते हैं। जुगल हंसराज जैसा मतलब? नहीं मतलब के कपड़ा धो धो के इसमें इतना जो ग्लो और शाइन लेके आता है एकदम इनके चेहरे का जैसा। इतना शाइनिंग आदमी हमने लाइफ में नहीं देखा है। He's so white. आपको तो कोई ब्लैक मनी भी देता होगा व्हाइट हो जाता होगा। वैसे आपको सच बताएं, कपड़ा धोने का जो हमारा टैलेंट है उसका पूरा क्रेडिट हम देंगे इन्हें। इन्हें क्यों? मैं क्यों? इन्हें मतलब इन्हें नहीं, इन हाथों को। हाथों को क्रेडिट देंगे हम, हाथ से धोते हैं। ऐसे खराब कपड़े धोती ना ये खैर साहब। अच्छा ये गुप्ता जी का पीछे इन्होंने पजामा धोया, 17 छेद किए इस औरत ने। हाँ तो हम करेंगे, जब पैसा मांगने जाते हैं वो गुप्ता कितना उंगली करता है, उनका धोती में हमने उंगली कर दिया तो क्या गलत हो गया? अरे गुप्ता आदमी हम बता रहे हैं, सही नहीं है ये गुप्ता आदमी। खूबसूरत लड़के से घूम रहा होता है मोहल्ले में, ये ताड़ता है, छेड़ता है गुप्ता। तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, खूबसूरत लड़कियों को छेड़ता ना? हमको पता है क्या लगता है अनुपम खेर जी, जी, जी। ये आदमी को ना हम पे क्रश है। इनको पता है इनके हाथ हम आ नहीं सकते, इसलिए ताने मारते हैं। वैसे हम बहुत अच्छा कपड़ा धोते हैं, हाथों में हमारे जादू है, मजाक नहीं कर रहे हैं। दिखाएं आपको जादू, दिखाएं। दिखाइए। ए शर्मा जी, एक 500 रुपए का नोट होगा आपके पास? नहीं दीजिए, 500 का नोट होगा ये लो। हाय हाय।
ये देख रहे हैं आप लोग, 500 रुपए का नोट है, है? अभी देखिएगा हाँ। आबरा का डाबरा, मौसी पहने घाघरा, पैसा गया आगरा। ये पैसा गया हमारी जेब में गया, ठीक है। अब देखिए ये पैसा इनकी जेब में आ गया है, कोर्ट की जेब में देखिए आ गया। कोर्ट में जेब ही नहीं है। पैंट का जेब आया है, पांच सौ रुपया नहीं है। इतना वेब सीरीज करते हैं, इतना फिल्म करते हैं, 500 रुपया नहीं है। हम तो ऐसा कोई बड़ा काम भी नहीं करते हैं, फिर भी देखिए 500 रुपया लेके घूमते हैं हम जेब में। ओ हेलो, ये 500 तो मेरा है। नहीं नहीं, आप वाला तो जादू करके हमने इनका जेब में डाल दिया ना। अब प्रॉमिस कीजिए इनको देंगे वापस इनका 500। आपके जेब में गया है। और नानी जी कैसी हैं? नानी जी नहीं, नीना जी। पता है हमें, बेटी का अभी शादी हुआ है, कब नानी, देखिए नानी तो बनेंगे ही ना बेटी। आपको सच बताएं, मसाबा जी का जब शादी हुआ था हम भी आने वाले थे। अच्छा। आने के वाले थे, हम तो पहुंच गए थे, गेट पे खड़े थे। हाँ। लेकिन वहाँ पे हमको अचानक एक बात याद आया जिसकी वजह से हमको घूम के वापस जाना पड़ा। क्या याद आया? कि हमको कोई इनवाइट ही नहीं किया था। तो हमने सोचा कि अंदर जाके मार खाएं, उससे अच्छा घर पे जाके दाल चावल खा लेते हैं। नरगिस जी, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? काइंड ऑफ। आप रॉक स्टार में थी ना? हमारे दादाजी भी रॉक स्टार हैं। वो कैसे रॉक स्टार? वो एक बार ऐसा पहाड़ी पे चढ़ के गए, एक बड़ा सा रॉक उनके ऊपर गिर गया। अब वो स्टार बन के आसमान में चमक रहे हैं। हेलो अनुपम जी, हेलो नरगिस जी, हेलो जुगल जी, हेलो नीना जी, हेलो हाशमी जी। ए, 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 पप्पी वाले और चुंबी वाले हाशमी नहीं है, ये दूसरे वाले हैं। नहीं दे, हम भी सकते हैं लेकिन ले लो। दीदी हमने तो फ्लाइंग किस दे दिया, अभी वापस लेती हूँ। नहीं नहीं वापस मत लो, रहने दो, इनको भी इतना कुछ खराब नहीं लगा है दिख रहा है। मर्द लोग को चलता है। दीदी जिंदगी में पहली बार हमने इतना हैंडसम लड़का देखा है, हम इन्हीं को डेट करेंगे। जुगल जी देख रहे हैं आप, आपका मासूम सा चेहरा देख के हमारी बहन को भी आपसे प्यार हो गया है। नहीं दीदी, हम अनुपम जी की बात कर रहे हैं। हमारा बचपन से सपना था कि हम इनसे शादी करें। ओ वाह, शादी शुदा है वो, तुझसे शादी कैसे करेंगे? हाँ तो क्या हो गया दीदी, फिल्म करते करते ये वेब सीरीज भी तो करते हैं। एक शॉर्ट फिल्म कर लेंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। सब बेकार का बात करना नहीं है यहाँ पे। वैसे हंसराज जी, हम भी आपको एक सजेशन देते हैं, आप ना हमको अपनी बंदी बना लो। हाँ देखिएगा, फिर ऐसे मोहल्ले में हम घूमेंगे, सब कहेंगे वो देखो जुगल बंदी जा रही है। दीदी हमको जुगल जी से कुछ सवाल पूछना है। जुगल जी से? हाँ पूछो पूछो जरूर। जुगल जी मुझे बताइए, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आगरा में, करेक्ट बोले हैं। इंडिया की कैपिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली। वाह दीदी, इनको तो सब कुछ पता है, ये जुगल नहीं है तो गूगल निकले। वो जो निकले निकले, तू निकल के कहाँ जा रही है? अरे दीदी जैसे फिल्म में अनुपम जी इज जाइंग टू अमेरिका टू मीट रॉकी, वैसे हम भी जाएंगे अमेरिका टू मीट जस्टिन बीबरवा। कितने बोले हैं, नाम भी ठीक से ले नहीं पा रही है। जस्टिन बीबरवा, पहला ठीक से सीख लो, उनका नाम जस्टिन बीबरवा नहीं है, उनका नाम है जस्टिन वा बीबर। भी बोलती है। और ये ट्रॉली ब्रॉली यहाँ क्यों आ गए हैं? एयरपोर्ट जाना जाना है तो। दीदी हम एयरपोर्ट गए थे, हम तो जहाज में भी बैठ गए थे, तभी मुझे आपकी याद आ गई। कैसी बहन, प्यारी बहन है हमारी।
जहाज रुकेगा नहीं, चला जाएगा जहाज। नहीं दीदी, जहाज नहीं जाएगा। क्यों? हम जहाज के टायर के आगे ईट रख के आए हैं। कितनी प्यारी है, जहाज के टायर के आगे ईट लगाई तो जहाज नहीं जाएगा। एरोप्लेन है वो ऐसे चलता नहीं है, उड़ता है। उसको रोकना है तो आगे नहीं, ईंट को उसके ऊपर रखना पड़ेगा। बहुत पगली है। बाप रे। अंग्रेजी आती है, इंग्लिश आती है यूएसए के लिए? दीदी उतनी तो नहीं आती, लेकिन हाँ 20 रुपए की इंग्लिश सीखी है हमने। 20 रुपए की इंग्लिश क्या होती है? 20 रुपीज। ट्रांसलेशन नहीं मांग रहे हैं। 20 रुपए की अंग्रेजी से नहीं चलेगा यूएसए में। बेकार का बात करती है। और वहां पे जाके खर्चा भी बहुत होता है यूएसए में, डॉलर में बहुत पैसा लगता है। पैसा है तेरे पास? अरे दीदी, जो आपने पुश्तैनी मटके में पैसा रखा था ना, वो सारा हम ले लिए। वो मटका हमने अपनी शादी के लिए रखा था। दीदी हमने सिर्फ पैसे लिए हैं, मटका अभी भी वही है, आप शादी कर सकती हैं। ऐसी बातें करती है। पैसा हमारा इसमें है, इसमें है ना पैसा, ये अब हमारे पास रहेगा। तू जा, अमेरिका कोई नहीं जा रहा है। जा। नहीं दीदी, हम अमेरिका जाएंगे। नहीं जाएंगे। हमने जस्टिन बीबर के लिए शेर लिखा है। तो उसके लिए इतना दूर जाने का जरूरत नहीं है, मेहमान यहाँ पर भी बैठे हैं, तू शेर यहीं पर सुना दे। अरे दीदी आप समझ नहीं रही हैं, शेर में जस्टिन बीबर का नाम भी है ना। तो इसमें क्या है, वो नाम हटा के इनका नाम डाल दे और कह दे इन्हीं के लिए लिखा है, इनको क्या पता चले। ओके दीदी, जुगल जी रात दिन एक करके हमने आपके लिए शेर लिखा है, अर्ज करती हूँ। दारू पीने से खराब होता है लीवर, दारू पीने से खराब होता है लीवर, यू आर माई फेवरेट जुगल हंसराज। दीदी इन पे नहीं बना, अनुपम जी भी बनाती हूँ मैं। बनाओ बनाओ। अनुपम जी, दिन रात एक करके हमने आपके लिए शेर लिखा है, अर्ज करती हूँ। दारू पीने से खराब होता है लीवर, यू आर माई फेवरेट अनुपम खेर। दीदी दोनों राइमिंग नहीं बनी, अब तो मैं यूएस जाऊंगी। नहीं, यूएस जाने का कोई जरूरत नहीं है, राइमिंग नहीं बनाना क्या, फेवरेट अनुपम खेर। दीदी यू आर सो इंटेलिजेंट। अर्ज किया है जी, इरशाद। दारू पीने से नहीं खराब होता है लीवर, खराब होता है पैर, यू आर माई फेवरेट अनुपम खैर। अरे बाप रे, राइम मिल गई दीदी, थैंक यू। शायरी का इसको बड़ा शौक है, बैठ के लिखती रहती है। जी जी, थैंक यू। वेलकम वेलकम। ये शायरी अच्छी लिखती है, कभी कभार छोटा कभी। थैंक यू। वेलकम वेलकम बोला ना, वेलकम वेलकम। ठीक है, शायरी लिखने का शौक है, हमको भी अच्छा लगता है कभी कभी इसके साथ। अरे मानो ना, सुन लिया, बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, बात खत्म कर ले थोड़ा। तो शायरी लिखती है कभी कभी, हम भी बगल में बैठते हैं और हम भी अपना लिखते हैं। अरे सुन लिया ना, 2 मिनट बात करने दे। थैंक यू, कहीं पीछे पड़ गई है। यू आर वेलकम। लिखती है, हमको भी शौक है, हम कभी बैठते हैं इसके बगल में, हमारे दिमाग में अचानक से। अनुपम सर, ट्रेलर में हम देख रहे हैं कि नीना जी आपको भजिया खिला के आपसे मदद मांग रही हैं। कभी लाइफ में ऐसा हुआ है किसी ने आपको 10 रुपए का वड़ा पाव खिला के बोला हो कि देखिए हमारी फिल्म का बजट बड़ा कम है, आप कर लो, और फिल्म बाद में हिट हो गई हो और फिर आप वड़ा पाव लेके गए हो और आपने कहा कि अपने वड़ा पाव वापस लो और मेरे पैसे दो, पैसे दो। मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, अब आई हैव डन अबाउट 534 फिल्म्स। अच्छा जी। और उसमें और मैंने बहुत सारी फिल्में दोस्ती के लिए की है, वड़ा पाव के लिए की है। अच्छा जी। और जो वादा करते हैं ना कि बाद में पैसे देंगे, वो कभी पैसे नहीं देते, ना अगला रोल देते हैं। ये बड़ी पते की बात है। एक्चुअली एक बहुत फेमस डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई और उन्होंने मुझे कहा एक दिन का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आप कर लो, मैं आपको 1,00,000 रुपए देता हूँ। अच्छा। तो मैंने अगली पिक्चर में मैं आपको ले रहा हूँ, तो मैंने कहा यार मैं एक जेस्चर दिखाता हूँ इसको कि मैं क्या एक दिन के पिक्चर के पैसे ले लूंगा 1,00,000 रुपया। मैंने कहा क्योंकि नहीं लूंगा तो अगली पिक्चर में। उसने उसके बाद 7 फिल्में बनाई, मेरे से एक भी पिक्चर में काम नहीं करवाया।
तो आपने फोन नहीं किया कि यार 7 फिल्में होगी, बोलो 1 लाख तो दो। नहीं, उसके बाद पिछले 20 साल से उसने कोई फिल्म नहीं, मैं 534 पे हूँ। मेरे साथ में ऐसा हुआ था, एक प्रोड्यूसर साहब आए थे और उन्होंने बोला कि एक फिल्म अभी शुरू कर रहे हैं, थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन अगली फिल्म जो है वो बड़े अच्छे बजट पे बन रही है तो उसमें अच्छे पैसे मिलेंगे। मैंने कहा था पहले हम अगली फिल्म शुरू करते हैं। बट यू नो, जब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर था तो हम, किरण हु इज माय वाइफ नाउ वाज माय आवर बेस्ट फ्रेंड, तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे, मैं और सतीश कौशिक के पास, तो हम सोचते थे जब पैसे बिल्कुल खत्म हो जाते थे तो हम किरण के घर जाते थे, उन्होंने कारमाइकल रोड रहती थी। अच्छा। और वहां पर जाते थे, बस में जाते थे और वो अच्छा खाना वाना खिलाती थी और फिर कहती थी अब वापस कैसे जाओगे, तो हम कहते अभी लेट हो गया, टैक्सी से जाना पड़ेगा। तो हमको 100 रुपया देती थी, फिर हम फिर बस से जाते थे वापस और 100 रुपया से एक हफ्ता निकालते थे। अभी इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने ना प्रमोशन के दौरान मुंबई के डिब्बा वालों को खुद अपने हाथों से खाना परोस के खिलाया इन्होंने। नरगिस, जब आप खाना खिला रही थी उनको, उन्होंने खाया क्योंकि सामने फाखरी हो तो भाखरी पे किसका ध्यान जाता है, है ना? बट देवर ऑल, मतलब वो मुंह ऐसा खाना खा रहे थे अपने, खुद डाल ही नहीं रहे थे मुंह में। पर नरगिस वैसे भी इतनी प्यारी ना, ये बंदा पेट भरा भी हो ना, पूछ लेगी आप खाएंगे, वो 2 रोटी वैसे भी ले लेगा। चलो ये है ना, हैव यू एवर एट इन ए रो इन पंगत? यू नो व्हाट इज पंगत? नो, व्हाट्स अ पंगत? पंगत इज इस काइंड ऑफ अ लाइन वेयर मल्टीपल पीपल आर सिटिंग इन ए रो एंड समटाइम्स पीपल आर सिटिंग बिहाइंड योर बैक ऑल्सो, बोथ द बैक्स आर टचिंग ईच अदर and eating. Yeah, you are eating and you are facing this side, they are eating and they are facing that side, and sometimes you eating and you can ki kehte ghurne ko kya kehte dusre ki plate mein, you can stare at someone other's plate, yeah, and if the other person is looking at somewhere else you can pick his cucumber also. So I mean English ke chakkar mein main सवाल ही भूल गया। हमने बहुत किया है। नहीं, you were saying that has it ever happened that you have eaten in a pangat? Never. 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 But have you ever sat down on the floor and eaten? Yes. When? Many times. Like I'm from New York. Sometimes we get a hot dog and we sit on the floor. Oh, there's no bench. No, it's not that same thing. Not the same thing. Not the same thing at all. Nargis, I have a question. Why they called hot dog, hot dog? Actually, I don't know. Is there any dog inside the burger who is hot? I mean, that's a good question. Can we Google? Yeah. You can Jugal. I can Jugal. Oh, that was I a good one. Jugal. Yeah, right. You can Jugal. यार गाना बड़ा अच्छा गाते हैं जुगल सर, मैं आपको बता दूं, मैंने तो ये भी सुना है कि जो कुछ कुछ होता है का जो टाइटल था ना, वो इन्हीं के मन में आया था पहले। हाँ जी, वो एक्चुअली वो धुन, वो मुखड़ा, गाने का मुखड़ा। अच्छा जी। तो करण और मैं सब साथ में दोस्त थे, कॉलेज में साथ में थे, तो जब कॉलेज के बाद 2-3 साल बाद वो स्क्रिप्ट लिख रहा था जी, तो उसको कोई फीडबैक चाहिए था और मैं ऑलरेडी फिल्में कर चुका था, आई थिंक पापा कहते हैं आ चुकी थी, वो कंफ्यूज था कि इस फिल्म का टाइटल क्या रखे। वन ऑप्शन वॉज कुछ कुछ होता है। तो फिर जब मैं घर गया, खाना वाना खा के मैं सो गया, आए मुझे नींद नहीं आ रही थी, ये स्क्रिप्ट का ये स्टोरी मेरे दिमाग में फिर रही थी, तो अचानक एक धुन आ गई मेरे दिमाग में और कुछ बोल आ गया, तो मैं कुछ 1:30-2 बजे उठ के आई रिकॉर्डेड इट ऑन द डिक्टाफोन, और फिर नेक्स्ट डे हम लंच के लिए मिल रहे थे, तो मैंने ऐसे ही मजाक में सबके सामने गाना गा दिया और सबको बहुत अच्छा लगा। एनीवे वो मैं गया वहाँ पे, गाना रिकॉर्ड भी हो गया और अभी तक जुगल सर सुना दो फिर कुछ 2 लाइनें जो भी आपका मन करे। एक्चुअली मैं जो बोल मेरे थे ओरिजिनली वो सुना देता हूँ। तो जुगल, तुम एक्टर हो, डायरेक्टर हो, तुम ऑथर हो, तुम बुक्स लिखते हो, और आप जेलस हो इस बात से। वो है, मल्टी टैलेंट होता है कईयों में। सब लोग तेरे जैसे नहीं होते, कुछ प्रशंसा करके खुश भी हो जाते हैं। नहीं, बट थैंक यू सो मच। इन कितना चमकते ना, ऐसा लगता है इनके अंदर अनार का जूस इनबिल्ट ही होगा, है ना? कितना लाल रंग के हैं। शादी के बाद आदमी ग्लो करने लगा। आप जब नहाने के बाद तौलिया से ऐसा, हमारे साथ तो उल्टा हुआ है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। हमारे तो 2 कलर की होगी स्किन शादी के बाद। जुगल सर की वाइफ का नाम है जैस्मिन, यूएस में जैसे कि आप सब जानते हैं इनकी शादी हुई है, तो यूएस जब आपका जाते हैं तो आपका वीजा लगता है कि आप बोलते हैं कि जीजा का किस बात का वीजा? मैं जैस्मिन का नाम लेता हूं और वो लोग बोलते हैं वेलकम सर। गाओ। तो अच्छा, आप इतने क्यूट हैं, आपका नाम जुगल और इनकी वाइफ का नाम भी जैस्मिन, कितना क्यूट नाम है। नहीं तो मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी वाइफ के नाम डाकुओं वाले हैं।
मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जानता हूँ। मैं पहली बार ना इग्नोर कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, ये आपकी बात कर रहा था? हाँ। ओ। और हिंदुस्तान में किसी महिला का नाम है अर्चना पूरन सिंह? ऐसा लगता है किसी के घर में जाएंगे ना, पहले चाय नहीं लेंगी, बदला लेंगी ये। जुगल सर, आप इतने मासूम हैं, आपने कभी अपनी मासूमियत का फायदा उठाया कभी? बचपन में उठाता था। अच्छा जी। स्कूल में जब अच्छा कभी होमवर्क नहीं किया मैंने या भूल गया, तो मुझे पता था कि एक एक्सप्रेशन, एक दो एक्सप्रेशन मासूम के लोगों को अच्छे लगते हैं और रोने लगते हैं, तो मैं ऐसा एक चेहरा बना के जाता था, मैम या सर मैं भूल गया और समथिंग, एंड दे वुड। बट बचपन में बहुत शरारत करता था। इनफैक्ट मासूम के टाइम पे भी एक दो बार मैं कहीं छुप गया था और 3 घंटे लोग ढूंढ रहे थे कि कहीं पहाड़ से गिर तो नहीं गया चुका था। अरे बाप रे। इनसे नरगिस से पिक्चर का टाइटल बुलवाना जरा प्लीज। नरगिस, कैन यू प्लीज से इट, योर टाइटल? शिव शास्त्री बेलबावा। टेक 7। शिव शास्त्री बेलबावा शास्त्री। इट्स अ टंग ट्विस्टर फॉर मी। लाला गोप गपंगम दास। लाला गोप गपंगम दास। सॉरी सॉरी। अच्छा ये वाला बोलो, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। ऊंट की पीठ ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची, ऊंट की पीठ की ऊंट। बताने वाला ही। मैं थोड़ा नीना मैम, आप जो हैदराबादी एक्सेंट पकड़ा आपने, बड़ा कमाल का पकड़ा है। आपको पहले से आती है हैदराबादी, या आपको स्क्रिप्ट के साथ हैदराबाद हॉलिडे का पैकेज भी मिला था साथ में प्रोड्यूसर की तरफ से? नहीं, हमारी जो साउंड रिकॉर्डिंग थी वो हैदराबाद से थी। अच्छा जी। तो इसमें बहुत हैदराबादी नहीं यूज किया है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ऐसा यूज किया है तो फ्लेवर के लिए। मगर इन्होंने पूरी फिल्म में मेरा नाम ठीक से नहीं लिया। अच्छा, पूरी फिल्म में मुझे क्या बुलाती हो आप? शास्त्रा जी। शास्त्रा जी, शास्त्रा जी। और पिक्चर के अंत में एक बड़ा अच्छा सीन है पिक्चर में, फाइनली मैं इनको भगा के, इनको मतलब जो इनको मकसद है वापस हिंदुस्तान आना चाहती है अपने ग्रैंड डॉटर को मिलने, फाइनली मैं लेके आ जाता हूँ, तो ये मुझसे पूछती हैं, शास्त्रा जी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती, मैं क्या कर सकती? एक बार मेरा नाम ठीक से ले लो। Nargis, sometimes you put some photographs on Instagram for your fans, right? Yes. And they write comments? Yes. Achha, English bolte hai, but body bhi alag ho jati hai. Oh, yeah. Please have a look. Archana ji, isme paani daal lena, neat na peena. Anupam sir ne ye photo dala hai. Mere pyare aur aziz Salman Khan, janamdin ki bahut bahut badhai aur shubhkamna hai. Bhagwan tumhe lambi aur swasth umar de. Tum logo mein khushiyan aur pyar baantte raho. Khush raho, abad raho. Bahut achha picture hai. Aayye niche dekhte hai comments. अनुपम सर, ये सारे आशीर्वाद तो इनको मिलते ही रहते हैं, आप इनको शादी वाला आशीर्वाद दो। सलमान भाई ने जितना पैसा जीन्स रफू करवाने में लगाया है, इतने में तो नहीं ही आ जाती है? और दिखाइए। सलमान भाई से ये पूछ रहे हैं, आपके जैसे मेरे डोले कब बनेंगे? रिप्लाई में लिखा है, अनुपम सर डोले छोड़ो, आप छोले बना लो, वो जल्दी बन जाएंगे। डोले छोले। और दिखाइए। नीना जी ने फोटो डाला, लाइट्स कैमरा एक्शन वध इन सिनेमाज नाउ। आइए कमेंट्स देखते हैं नीचे। नीना जी की आइसक्रीम गिर गई, अब संजय भाई डर रहे हैं कि कहीं ये उनकी ना मांग लें। नीना जी कह रही हैं, 50 रुपए की आइसक्रीम खा रहे हो, 30 रुपए की डाई क्यों नहीं लगाते? और दिखाइए आगे। नीना मैम ने इनसे पता पूछा था, ये बोल रहे हैं चलो मैं घर तक छोड़कर आता हूँ। रिप्लाई है, नहीं भाई ये आदमी को मैं जानता हूँ, ये पता बताने के बदले में कुल्फी मांगता है। और दिखाइए। लो जी, शारिफ भाई ने ये फोटो डाला है, बहुत अच्छा। मेहरबान, कदरदान, पहलवान, पेश है सलवार के साथ बनियान। कैसा लगा ये लुक पब्लिक? आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं। अगर आप कुर्ता भी लेडीज वाला पहन लें तो हाईवे पे ट्रक वालों को लूट सकते हैं। इस लुक में आप सांडे का तेल भी बेच सकते हो, लोग हाथों हाथ खरीद लेंगे। मेरी वास्तव फिल्म की डीवीडी पे जब स्क्रैच आ गए थे तब उसमें संजय दत्त भी ऐसे ही दिख रहे थे। और आगे दिखाइए।
सर कपड़े बदलने से पहले पीछे जाली वाली खिड़की पे पर्दा डाल लेना वरना आपकी पिक्चर रिलीज हो जाएगी। मकान खाली दुकान पे कब्जा या मंडप से दूल्हा उठवाने जैसे सामाजिक कार्य के लिए संपर्क करें। और दिखाइए, नरगिस ने फोटो डाला, व्हेन वी स्ट्राइव टू बिकम बेटर देन वी आर एवरीथिंग अराउंड अस बिकम्स बेटर टू थ्रो बैक हैशटैग लेग्स। आगे एक बंदा है, इमोजी डाला, उसकी भी आंखें फटी हुई हैं। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये दरबान वाली नौकरी मुझे भी करनी है, मैं 2500 महीना देने को भी तैयार हूँ। ये लड़का पहले नाबालिग था, नरगिस के हाथ रखते ही इसकी मूछें आ गई। इस बंदे की सैलरी अब आए ना आए बोनस इसको मिल चुका है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज से पहले इस बंदे की फोटो पे कभी इतने लाइक्स नहीं आए होंगे। ये कहां की फोटो है नरगिस? उफ, आई डोंट रिमेम्बर, इट्स ओल्ड। और वो नहीं भूला होगा जिसके साथ की चाहिए। टू आस्क दैट गाय, या कमाल। और दिखाइए मोर। ये फोटो दिखा के ये आदमी अपने गांव का सरपंच भी बन सकता है। और दिखाइए अगली फोटो। अच्छा, जुगल जी ने फोटो डाला है, वीकेंड विद द इन-लॉज हैं। साथ में शेर की फोटो है, कमेंट्स दिखाइए नीचे। आदमी शादीशुदा हो तो उसको ऐसे छोटे मोटे खतरों से डर नहीं लगता। लॉयन बी लाइक, भाई देखना जरा पिछले दो दिनों से दांत में कुछ फंसा हुआ है। इनसे किसी ने शेर पढ़ने को कहा था, अब ये शेर पढ़ रहे हैं। भाई या तो ये शेर नकली है या फिर आज इसका व्रत है। और दिखाइए पिक्चर क्विज, दिस इज माय ऑफिस कैबिन, एक्टर प्रपेस, मुंबई। हाउ मेनी अनुपम पिक्स आर इन दिस पिक? इट्स अ टफ वन, इवन आई डोंट नो द आंसर। अरे वो सांबा अब आएगा रे ऊंट पहाड़ के नीचे, जय हो। एक तो आपके टेबल पे ही है, एक आपके पीछे लगी हुई है। अच्छा, वो वाली जो हजारों तस्वीरों को जोड़ के बनती है। आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं। कमरे में तीन तीन अनुपम खेर हैं, सब इधर उधर देख रहे हैं, लगता है इनकी आपस में बोलचाल बंद है। लगता है इनके ऑफिस बॉय ने बिना बताए छुट्टी मार ली है, अब ये सोच रहे हैं यहाँ भी चाय मुझे बनानी पड़ेगी। और आगे दिखाइए, जितने फोटोज इन्होंने खुद के ऑफिस में लगाए हुए हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ फोन पे वॉलपेपर भी इन्होंने खुद का लगाया होगा। बहुत अच्छी बात है, दैट्स ट्रू। क्या बात है, दिखाइए कैमरा में। लो जी, जिन भी भाई साहब ने कमेंट किया है। और दिखाइए, नीना जी ने फोटो डाला है। नीना, ये किसकी कटिंग कर रही हैं आप? किसकी कटिंग नहीं, बालों की कटिंग कर रही हो। पति देव। अच्छा, रिटर्न फेवर, फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो आप कटिंग कर देती हैं हस्बैंड की? कोविड के टाइम की है। अच्छा अच्छा, हाँ। आइए दिखाइए कमेंट्स। फ्री में धनिया मिलता है, फिर मिर्ची मिलती है, पानी पूरी खाओ तो सूखी पपड़ी मिलती है, अगर आपको नहीं मिल रही तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाइए, ये ग्राहक का अधिकार है। नीना जी बोल रही है डरो मत, मैं गार्डन में घास काट के आई हूँ, बाल भी बराबर काटूंगी। मेरी बीवी की जुबान कैंची की तरह चलती है, वो मुंह से भी बाल काट सकती है। ये सुपर बहुत अच्छा। और दिखाइए, चारे भाई ने फोटो डाला है, ये सुपर लॉन्ग रोड ट्रिप, सुपर लॉन्ग ट्रिप दोस्तों के साथ, फर्स्ट टाइम, बिलीव इट और नॉट। आइए देखते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस हालत में भी कोई लड़की इनसे लिफ्ट मांग ले तो ये उसके लिए भी गाड़ी पे जगह बना लेंगे। ऑलवेज इस हालत में अगर ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लें तो आधा घंटा तो इनको चाबी ढूंढने में लग जाएगा। और दिखाई, ऐसे लोग किसी गली में घुस जाए तो यू टर्न नहीं ले सकते। ऐसे ही लोग होते हैं जो चार लोगों के राशन कार्ड पे सामान उठा लेते हैं। और दिखाइए नरगिस, फार्मर मार्केट, गेट योर हेल्दी ऑन। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप भी सब्जी खरीदती हैं, मैं भी खरीदता हूं, हमारे बीच कुछ हो सकता है? अबे वो खाने के लिए खरीदती हैं और तू आगे बेचने के लिए। मैडम बस आप दुकान वाले को भैया मत बोलना, बाकी जो आपको चाहिए वो आपको फ्री दे देगा। और दिखाइए, आप गाजर लेके घर चलो, मैं दूध लेके आता हूं, साथ में हलवा बनाते हैं।
इसने कमेंट लिखी है, तुम तेल लेके घर जाओ, मैं लठ लेकर आता हूँ. जो गाजर ले सकती है वो दूध भी ले सकती है, तू उसका हलवा क्यों खराब कर रहा है? देखो, पीपल आर फाइटिंग फॉर यू नरगिस. अरे बाप रे. और दिखाइए. लो जी, जुगल हंसराज जी ने फोटो डाला, हाउ टू डू इंटरव्यूज व्हेन यू हैव एन एनर्जेटिक टोडलर एट होम. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. लगता है इनको कोई ऐसा वैसा कॉल आया है जो ये घर में भाभी जी के सामने अटेंड नहीं कर सकते थे. मेरी बोल खुल रही है. नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड के चक्कर में आदमी ऐसे ही होश खो देता है, उसको पता ही नहीं चलता बारिश कब बंद हो गई. और दिखाइए. खत्म. धन्यवाद. अच्छा, इस फिल्म में अनुपम सर का एक डायलॉग है कि मैं नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से नहीं. आप सब भाई बंधुओं में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये बोल के रोका गया कि नहीं ये आपकी उम्र नहीं है, या जो भी कोई भी उम्र के वर्ग के व्यक्ति आप वहाँ पे अपना, जिनको भी टीवी पे आने का शौक है अपना. जी भाई साहब. हेलो कपिल सर. हेलो सर, क्या हाल है? फाइन. हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज कुमार सैनी है. जी सर. तो मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं एक पेंट कंपनी में प्रोडक्शन हेड हूँ. अच्छा जी. तो मेरे तीन चार जूनियर एक साथ मेरे केबिन में आए और बोलने लगे कि नेक्स्ट मंथ छुट्टी चाहिए. तो मैं बोला क्यों चाहिए छुट्टी? तो बोला मैं MBA का एग्जाम देना चाहता हूँ तो उसलिए चाहिए. मैंने बोला कहाँ अप्लाई कर रहे हो? मैं भी चाहता हूँ कि MBA मैं कर लूँ. तो वो हंसने लगे थोड़ा सा. बोला सर इस उम्र में नहीं होगा. हमने क्यों? क्यों आपकी स्पीड नहीं है. अरे हमने कहा मेरी स्पीड इनको कैसे? स्पीड क्या, भाग भाग के करनी होती है MBA, क्या मतलब? फिर मैंने पूछा स्पीड का मतलब क्या है? तो बोला कि ये एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम है, आपको कंप्यूटर में करना होगा. थोड़ा मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है, उनको लगा ऐसा. अच्छा. तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं करता हूँ कोशिश. फिर मैं घर आया, मैंने वाइफ को बताया, मेरी वाइफ कोमल, मैंने इनको बताया कि मैं MBA करने जाता हूँ. तो ये थोड़ी देर तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रही. पहली बार इतना, हाँ इतना साइलेंट मैंने कभी नहीं देखा था इनको. इन्होंने बोलना शुरू किया, बच्चों को अगर आओ MBA, बच्चों को पढ़ाने की सोचो, आप तो अपना भूल ही जाओ. एक मेरे फ्रेंड आए हुए, उन्होंने भी मेरे को मना किया था, अतुल जी. तो इन्होंने मना किया, लेकिन मैंने हाथ तो ऐसे करो जैसे अप्रिशिएट किया उन्होंने. कहते हम ही ने मना किया था. हमने मना किया था. अच्छा, मैंने MBA किया, फर्स्ट सेमेस्टर किया, और मैंने देखा रिजल्ट, जाके देखा तो मतलब मेरे अच्छे मार्क्स आए थे. तो नेक्स्ट जो मतलब डे आया, मैं ऑफिस में जब पहुंचा तो देखा कि थोड़ा सा सर ऐसे लटका करके वो चारों फेल हो गए थे. शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू एवरीवन. और कोई हमारे दोस्त भाई बंधु अपने विचार पेश करना. जी मैडम. हेलो कपिल सर. हेलो मैम. एवरीवन, मेरा नाम रेशमा है, मैं US से आई हूँ. रेशमा जी. मेरे हस्बैंड नमस्कार सर. और मेरे भाई भाभी के साथ मैं US से आई हूँ. अच्छा, वैसे नहीं आने देते, भाई भाभी को लाना पड़ता है साथ में. क्योंकि इस बार आप नहीं आए US में, आपका प्रोग्राम आ रहे हैं जून जून में, मुझे पता चला. हम सब आपके बहुत बड़े फैन है. थैंक यू मैम, शुक्रिया. बहुत बड़े फैन है. तो मुझे बचपन से घर में गाना गाने का बहुत शौक. मुझे लगा बचपन से आपका शो देखती हूँ, ये कह रहे हैं. नहीं नहीं, बचपन से गाना गाने का बहुत शौक था. अच्छा, नाचने का. लेकिन मेरे पापा नहीं अलाउ करते थे. अच्छा जी. और मैं 19 साल की हुई, मेरी इनसे शादी हो गई. अच्छा जी. मैंने सोचा कि मनीला फिलीपींस का लड़का है, मुझे तो वहाँ बहुत गाने को मिलेगा. यस, बट वहाँ सब उल्टा हो गया. इन्होंने भी मुझे गाना नहीं गाने दिया. बच्चे हो गए, घर गृहस्थी बिजनेस में हो गए. आज मेरे बच्चे बड़े हो गए. अब मैं खुल के जीना चाहती हूँ, अपने लिए गाना गाती हूँ. लेकिन फिर भी मैं डिस्को पॉप सिंगर नहीं कर सकती. तो अचानक मैंने मोड़ लिया, भजन सत्संग और उसमें मोड़ ले लिया. अच्छा, और मैं इतनी फेमस हो गई कि मुझे अभी सब बुलाते हैं कि आके यहाँ भजन सुनाओ. भाई साहब से पूछना चाहूंगा, ये मना क्यों करते थे आपको गाना गाने के लिए? मैं मना इसलिए करता था, मैं समझा था कोई ये आवाज ऐसे निकालेगी जिससे मैं डर नहीं जाऊं सुन के. नहीं, एक बार सुन तो लेते आप. अब ये सुन गाती है, मैं नाचता हूँ. अरे तो आपके लिए दो लाइन लिखी है. जी जी. बारी वर्षी खटने गया, निखट खट के ले आंदा केले. हो प्यारे सबर करो मेरे कपिल शर्मा के मेले. हो प्यारे सबर करो मेरे कपिल शर्मा के मेले. हो प्यारे सबर करो. हो आयो लाल झूले लाल, आयो लाल, सबई
जुगल जी। शुक्रिया शुक्रिया मैम, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है आपकी? हेलो कपिल सर। सर माय नेम सौरभ विश्वकर्मा, मैं एमपी जबलपुर से हूँ सर। जबलपुर से बहुत बहुत स्वागत है आपका जी सर। हाथ में क्या है, कोई टूटने वाली चीज है शीशे की? सर ऐसे तो हाथ नहीं कहा मैंने। एक्चुअली क्या है सर, मैं जो आपने बात की ना सर एज की, हाँ जी, तो एज को लेके और रोक टोक को लेके, तो सर मुझे मेरे घर वाले कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं उन्होंने। अच्छा जी। मैं अपने जीवन में मतलब गिल्ली डंडा कंचे और टेनिस फुटबॉल जो भी खेलता था, मैं सारी चीजों से इंस्पायर हुआ और इंस्पायर होकर मैंने एक नई टैलेंट सीखा सर। क्या? लाइव रैप करना। लाइव रैप करना? यस सर। अच्छा, वेरी गुड यार। तो मैं एंड प्रेजेंट, आप मुझे कोई भी टॉपिक देंगे उस पे तुरंत लाइव रैप करता हूँ। शिव शास्त्री बैलबोआ पे करो तुरंत। शिव शास्त्री बैलबोआ? हाँ। वो सारे जैसे खिलाफ नहीं, वो आज मेरे साथ नहीं, मैं वक्त से भी पूछता ये मेरे हालात नहीं, मैं कर चुका वो काम है ऐसे बॉक्सिंग के तौर पे, नजर हटी नहीं तेरे आते तेरे शोर पे, अभी आवाज मेरे जिंदगी के पास हो, खिलाफ हो ये सारी बात मेरे साथ हो, मैं सोचता था कि ये देख मेरे साथ, बातचीत बंद बातचीत का भी ध्यान, आज शिव शास्त्री भी कहते बोल वो मैं भी खेले तेरे बॉक्सिंग सारे अल्फाज, सारा दिन भी दिखाने का तो बोले पब्लिक साथ, बॉम्बे 70 वाली गली कौन कौन पास में, डिमांड है ये जारी डिमांड छोटे चलेगा ये कपिल शर्मा के शहर में। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या हिंदुस्तान में क्या टैलेंट है मानना पड़ेगा। बहुत बहुत कमाल का टैलेंट है यार आपका, बहुत बढ़िया ब्रदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप हमारे शो पे आए और बहुत मजा आया, हमेशा आता है सर आपके साथ, और ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये फिल्म रिलीज हो चुकी है दोस्तों, आप हमारी फिल्म को बहुत प्यार दे रहे हो, ऐसे प्यार देते रहिए, इस हफ्ते भी इसको और चलाते रहिए, अगले हफ्ते भी चलाते रहिए, और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम की तरफ से हम सिंबॉलिकली उन लोगों को ऑनर करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जीरो से शुरू की और अपने मुकाम तक पहुँचे हैं, और उसमें कपिल आपका बहुत बड़ा हाथ है, एंड ऑल्सो अर्चना। I'll request my producers and the director to come on stage. ये हमारी सबकी तरफ से आपको आपके न केवल कामयाबी के लिए मगर आप अपने पांव अभी भी जमीन पर रखते हैं उसके लिए बेलबोआ की तरफ से, शिव शास्त्री बेलबोआ की तरफ से शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अर्चना, यू आर सो वंडरफुल, यू आर सो इन्फेक्शियस, योर लाफ्टर, योर लव इज सो इन्फेक्शियस, कीप डूइंग अ ग्रेट वर्क दैट यू आर डूइंग। थैंक यू सो मच दोस्तों, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। सीरियसली यू आर पर नहीं 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 फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।